नमो अहंताराम, नमो सिद्धाराम, नमो वार्याराम, नमो वज्जायाराम, नमो भुवे सर्वसाहूगम शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलं वन्दे सन्दृष्टसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमणि मंगलम कुंदकुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे कीर्तन सत्ता रूप सब व्याता लक नमो समय साल भू जे झाया जाने कही कम कलंक दही नित्य निरंजन नानमय तेव परमा परमे ओम नमः। एहु अप्पा सो परमप्पा कम विशेषे जायो जप्पा जामई जानई अप्पे अप्पा कामई सोजिय देव परमप्पा। गुरु की उपासना क्या है? गुरु के वचनों का आदर करना, परोक्ष में भी कभी विरुद्ध विचार नहीं करना, अलग से विचार नहीं करना, अटकलें नहीं लगाना, गुरु के अनुसार प्रवर्तन करने का मतलब है गुरुओं के अनुसार विचार करना। क्या विचार करना? गुरुओं के अनुसार क्या विचार करना? बोलो, मैं गायक हूँ। गुरु महाराज ये कह रहे हैं, जी नहीं कह रहे, जे ही हम हैं, हम पंडित जी हैं, हम बड़े पंडित जी हैं, ये गुरु नहीं कह रहे। ये सब उपचार के कथन हैं, गुरु कह रहे हैं, लेकिन परमार्थ सुख चाहिए तो परमार्थ का विचार करो। विरुद्ध विचार नहीं करना, कभी उल्टा विचार नहीं करना, ये ही हम हैं, हम 60 वर्ष के हो गए, हम 70 वर्ष के हो गए, अरे मैं अनादि अनंत हूँ। कब विचार करोगे? कब गुरुओं की उपासना करोगे? गुरु का गुरु मत बनना कभी, गुरुओं के बीच में बोलना नहीं, अगर कुछ कहना पड़े तो गुरुओं के अभिप्राय को समझ करके उसी के अनुसार कहना। पढ़ो श्रव का चार, गुरु बिना क्या होती है, पढ़ो सा। अब फुर्सत ही नहीं पढ़ने की, कब से नहीं पढ़ा, सच बताना। सबका चार कब से नहीं पढ़ा? अब ऐसे अब चुप रह जाओगे, हमें मालूम है। ये चुप्पी तो सत्यानाश मारे है। एक बात बताओ, जब समय सार नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी दृष्टि निर्मल कैसे बनेगी? श्रावकाचार नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा आचरण श्रावक के अनुसार कैसे होगा? कैसे बोल पाओगे, कैसे सोच पाओगे? कैसे तुम्हें मालूम ही नहीं अनर्दनों का त्याग? हम कौन कौन से अनर्दन करे, हम क्या कर रहे? तुम्हें तो मत भूल गए प्रतिकूल भाई, तुम्हें तो ये लग रहा हम बढ़िया कर रहे सब, और करते करते मरे जा रहे। गुरुओं के गुरु कभी ने नहीं कहा, गुरु महाराज क्या कह रहे तुम करता हो, हमने किया है हम करेंगे, ये कभी गुरु नहीं कह रहे। हाँ, दोष बन जाए, हमारा ही दोष है, पर का दोष नहीं, चुप मत रह जाओ, हमारा ही दोष है। और समझ के कहो, वैसे ही टालने के लिए नहीं, क्यों भैया दो दिन इलाज करें और फिर छोड़ दें तो कैसे इलाज होगा? इलाज कब तक करें जब तक स्वस्थ न हो? कोई भी समस्या है तब तक कर उस पर लगे रहो, कहते रहो, सुनते रहो, विचार करते रहो, जब तक समाधान तक न पहुंच जाए। चार दिन बाद पता ही नहीं हमने कहा कही थी, अब तुम फिर कहे हो तो फिर फाइल खोल जाए। कोर्ट में भी, न्यायालय जिसको कहते हैं, वहां भी फाइल तब तक चलती रहती है जब तक उसका फैसला ना हो। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 8 महीने बाद तारीखें बढ़ती रहती हैं कि नहीं, और उसकी प्रक्रिया चालू रहती है कि नहीं, बीच में बंद तो नहीं कर देती।
अब सारी बातों को बस वहीं के यहीं के यहीं उड़ा देंगे, कहीं वहीं की वहीं उड़ा देंगे, बीच में खत्म मामला, जैसे कुछ बातें ही नहीं, अपने लग गए। हम ये पूछ रहे आज भी तुमने क्या किया, गुरुओं की उपासना के नाम पर क्या किया, सवेरे से क्या घंटे हो गए, गुरुओं की कभी याद भी करी तुमने, एक क्षण को गुरु की याद आई तुम्हें, कुंद कुंद स्वामी की, अमृतचंद स्वामी की, योगेंद्र देव की, अभी जाकर के स्वाध्याय पर बैठना है, कुछ पढ़े क्या, हंसी मजाक करते हो, निर्णय करो, ऐसा श्रोता नहीं होता, कुपात्र हैं हम, अपात्र हैं। जब कुपात्र और अपात्र होगी तो उपदेश क्या करेगा, ये हम मजाकें कर रहे हैं, विपरीत उल्टा घड़ा कभी नहीं भरेगा, और सीधा घड़ा भी जब झुकेगा तब भरेगा, जितना झुकेगा उतना भरेगा। तैयार करके विषय चला देना अलग बात है, हैं? उसका आचरण करने का अभिप्राय रहना वह अलग बात है। कितनी हम अधर्म में छोड़ देते हैं, समस्या को सुलझाने के तक पूरे तक पहुंचो ना, बीच में कैसे पहुंच छोड़ दोगे, कोई नाविक तुम्हें बीच में उतार दे तो क्या होगा, और तुम बीच में ही उतार, हमें उतारो, हम तो उतरना है, अरे उतरे बिना तो पहुंचेंगे नहीं, अरे भले आदमी उतरे बिना तो नहीं पहुंचोगे, लेकिन उस घाट पर जाकर के पहुंचो तब उतरो, बीच ही में मत उतर जाओ। व्यवहार परमार्थ के आश्रय से छोड़ने योग्य है, सत्य वचन भी तब मत बोलो जब मौन रहो, लेकिन जब तक मौन नहीं रहो तब तक सत्य वचन बोलो, प्रामाणिक वचन बोलो, निभाना सीखो, हंसी मजाक करना मत सीखो, हम क्या करें हम क्या करें हम क्या करें, योद्धा युद्ध क्षेत्र में अगर रोने बैठ जाए तो क्या होगा, परीक्षार्थी विद्यार्थी ही परीक्षार्थी भवन में अगर रोने बैठ जाए क्या करें क्या करें, हमने पढ़ी नहीं पाओ हमने पढ़ नहीं पाओ हमने पढ़ तो अगली साल पढ़ियो भाई, और क्या उपाय, दोष को स्वीकार करना दोष को दूर करने का पहला सोपान है, अंतिम नहीं, जो दोष स्वीकार ही नहीं है तुम्हें, दोष स्वीकार ही नहीं है अपने, पहले ही सूरी पर पांव नहीं धरा, लेकिन अगर दोष को स्वीकार कर लिया तो दोष कैसे मिटेगा, अकेला स्वीकार करने मात्र से भी दोष नहीं मिटेगा, आगे हमारा दोष है, हमारा ही दोष है, हमारी गलती है, बस ऐसे मिट गया और बस खत्म मामला, खाने पीने में लग गए, पढ़ने लिखने में लग गए, आगे चल दिए, उलझाना मत सीखो। एक पिता ने पुत्र से कहा, देखो भाई समस्या सुलझाना सीखो, समस्या खुद मत बन जाओ, क्या हमारी तो क्या करें, तुम ही समस्या बन गए थे, क्या करें तुम्हारे, गुरु आज्ञा के विपरीत विचार नहीं करना, इसका मतलब तत्व के विपरीत विचार नहीं करना, गुरुओं की आज्ञा तत्व ही तो है और क्या है, कभी मत विचार करना हम कर रहे हैं, हमने कल कहा था यहाँ बैठो अगर ज्ञाता स्वरूप अनुभव करके कर सको और वक्तृत्व को इसको भिन्न रख देख सको तो बैठना, नहीं तो नहीं बैठना, जितने ऊंचे से गिरोगे उतनी ज्यादा चोट लगेगी, फिर समझ बैठे हम वक्त आए, फिर क्या पूछो, फिर सुनता नहीं हो पाओगे, सुन नहीं पाओगे, अगर मान लिया हम गुरु हैं इनके गुरु हैं तो शिष्य नहीं बन पाओगे, फिर कभी नहीं बन पाओगे, अरे भले देश का प्रधानमंत्री बन जाए राष्ट्रपति बन जाए लेकिन माता पिता का तो पुत्र ही है, वहां तो उतनी ही
विनम्रता उसी प्रकार का भाव, उसी प्रकार की सेवा, उसी प्रकार की का प्रवर्तन होना चाहिए। दुनिया के लिए कुछ भी हो लेकिन अपने लिए क्या है ये बता। तुम्हारे लिए हम पंडित जी हो गए, अब अपने लिए भी पंडित जी बन गए तो क्या काम बने। अपने लिए तो कम से कम अकेले में बैठ करके तो कम से कम ज्ञाय का अनुभव करो। गुरु उपासना, गुरुओं के समीप बैठना, क्षेत्र से मात्र से नहीं, क्षेत्र में भी समीप रहे। अंतेवासिनी शिष्य बोलते हैं, अंतेवासिनी माने अंतर में बैठने वाला, गुरुओं के अभिप्राय को समझने वाला। क्या अभिप्राय है हमारा, क्या समझाओगे, क्या अभिप्राय बता, क्या आपको भाव तो ये है सब कल्याण कर। बस ये भाव है, अरे हमारा भाव ये है तुम अपना कल्याण कर लो, भव खो मत, सबकी ठेकेदारी मत लो, सबका कर्तव्य मत लागो, और सबका कल्याण भी तब कर पाओगे जब अपना कल्याण कर लोगे, जब ज्ञाता स्वरूप अनुभवोगे तभी कह पाओगे हम ज्ञाता हैं। अमृतचंद स्वामी टीका कर रहे हैं प्रत्याख्यान की, क्या प्रत्याख्यान का क्या स्वरूप है, त्याग का क्या स्वरूप है, और टीका कर रहे हैं क्या लिख रहे हैं, भगवान आत्मा ज्ञाता द्रव्य है। त्याग हम आज त्याग प्रतिज्ञा काय की है, ये त्याग की प्रति, त्याग का स्वरूप बता रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। आत्मा का स्वरूप बताए बिना समझे बिना त्याग होता ही नहीं। आत्मा का स्वरूप समझे, मैं आत्मा हूं ये समझे, तब इसका त्याग हो गया। क्या देह को अपना मानने का, ये व्यापार मेरा, ये व्यवहार मेरा, ये परिवार मेरा है, सारा बोझा उतर गया। मेरे तो एक आत्मता में मम जो कीनो, और सवे मम भिन्न जान आत्म रस भीनो, बस डूब गए उसमें। वो झुकते झुकते पानी में जरा डूब जाता बीचा, आपका अभिप्राय है तुम क्या जानोगे अभिप्राय। अरे भाई पिता का अभिप्राय, पिता का मित्र बताएगा कि शिखर में मोहरे लगी हैं और हैं है नहीं, तो इसका अभिप्राय कौन बताएगा। पिता के समीप वर्ती उसका मित्र, पिता के अभिप्राय को समझने वाला मित्र बताएगा ना, क्या बताएगा, क्या बताएगा। उस तिथि में उसी टाइम पर जहां शिखर की छाया पड़ती है, तेरे घर में मोहरे हैं वहां नहीं है, ऐसे देख रहे हो, अरे वहां की छाया पड़ रही है, ये क्यों लिखा है, जे सुधी तेरे तृतीया को दिन के एक बजे, ये क्यों लिखा। अरे अकल लगा मोहरे वहां रखी आई, मोहरे घर में रखी आई, तेरी निधि तेरे भीतर में परमात्मा की यहां छाया पड़ रही है, जो परमात्मा स्वभाव है वह उसको निहार, उसका आश्रय कर, वह शरण है तेरे लिए। परमात्मा शरण है माने परमात्मा के द्वारा बताया गया शुद्धात्मा शरण है। इस उस व्यवहार में से परमार्थ निकालो, और परमार्थ का कथन आए तो इसको सोचो, इसको व्यवहार में कैसे ला, प्रैक्टिकल क्या करें इसका। अरे श्रावका चार्क में लिखा है ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे मानो, ऐसे समझो। पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का लिखा ना, तो इस प्रकार से निशंक होकर के मानना, निर्वांचक होकर के मानना, लोभ लालच से नहीं। लोभी की व्यवस्था बड़ी खराब है, बड़ी खराब है, पक्का लोभी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होगा, बस उतना ही केंद्र है बस। कहीं तुम्हें लोभ तो नहीं हो गया है, बस हमें प्रवचन सुनना है और कुछ नहीं करना है, तो ये प्रवचन नहीं सुन पाओगे।
हम आपसे पूछते हैं जब तुम्हें बाहर जाना है तो गाड़ी 1 घंटा पहले दिखोगी, साफ करोगी, गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, दिखोगे कि नहीं, नहीं काय को देखेंगे सभी, बाद में हवा है कि नहीं है, जब जाने लगो तब देखो। अब फिर घबराओ क्या करें, वो हवा नहीं है, वो पेट्रोल नहीं है, अरे पहले से भर करके तैयार करके रखो भैया। कल के लिए आज दुकान सजा करके रखो तब व्यापार कर पाओगे, तैयारी करो पहले, मृत्यु महोत्सव की तैयारी कर लो। समिति का समाधिमान हो सकता है, मिथ्याति का नहीं। देह को अपना मानने वाला जीव कभी समाधि मरण नहीं कर सकता। सुनते सुनते मर जाए वो अलग बात है, पढ़ते पढ़ते मर जाए देह छूट जाए वो अलग बात है, समाधि मान तो शांत परिणाम का नाम है। वेद ज्ञान में ना कहां से परिणाम शांत होंगे। जब तुम ये समझोगे हम आत्मा हैं, आत्मार्थी हैं, तब समझ पाओगे ये देव कौन है, गुरु कौन है, शास्त्र कौन है, तब तुम्हें इनकी महिमा आएगी। पंडित जी ने पूजा करते पूजा में की जयमाला में कैसे लिखा, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। खाली काय से थोड़े ही कि बस मौन से, मन भी नहीं वचन भी नहीं, केवल काया से गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। गुरु उपासना कोई सामान्य चीज है, और जो भी परमार्थ गुरु उपासना क्या पूछना। व्यवहार गुरु उपासना भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जब तुम्हें अपने भोगों से फुर्सत नहीं, अपनी ख्यात लाभ से फुर्सत नहीं, गुरु कहां देख पाओगे, कहां है गुरु, अरे कहां है। जब ये प्रश्न उठे तो सोचो यहां है, यहां दिख जाना चाहिए। गुरुओं का स्थान अपने हृदय में बनाओ और गुरुओं के हृदय में अपना स्थान बनाओ, उन्हें गौरव हो गए ये हमारा शिष्य। गुरुओं के हृदय में अपना स्थान बनाओ, माने उनको गौरव आना चाहिए हमारा शिष्य। व्यवहार नायक की चर्चाएं हैं ये, माने परमार्थ दृष्टि वाले का व्यवहार कैसा होता है। जिसे आचार्य पद दे करके वे निश्चिंत हो जाएं, हाजिर आयो हमने देख लिया समझ लिया, ऐसे ही शिष्यों की जरूरत थी। दर्शन स्वामी ने क्या लिखा, अब तुम्हें सुत ज्ञान ही नहीं आचार्य बन परंपरा आज संग सौंप करके मैं निश्चिंत समाधि करता। शिष्य उसे कहते हैं जो गुरु को निश्चिंत करे, पुत्र उसे कहते हैं जो पिता को निश्चिंत करे। बोझे ही बने रहे हो, बोझा उठाना सीखो। आपने देखा होगा छोटी पर बच्चे को माता पिता को उठाना पड़ता है, और बुढ़ापे में बच्चा माता पिता को उठाता है। छोटी में नौकार मंत्र माता ने पिता ने सिखाया, और बुढ़ापे में माता पिता को सुनाता है नौकार। अपनी कह नहीं सको हैं, गुरु महाराज की सुन नहीं सको तो क्या मतलब है। न्यारे 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 नदी के दो किनारे कि कभी नहीं मिलेंगे। मिलने का मतलब इसको अंग्रेजी में मैचिंग कह देते हैं कभी कभी। मैचिंग माने लोग ये समझते हैं शरीर वाले भी, मैचिंग माने बाई रंग की साड़ी ले ली, बाई रंग की चूड़ी ले ली, बाई रंग की बल ले, बाई रंग की बल ले, मैचिंग बन गई। अरे पागल हो, मैचिंग ये शरीर की मैचिंग बना रहे हो।
जैसा स्वभाव वैसी ही दृष्टि, वैसा ही ज्ञान, वैसे ही विचार, वैसी ही मुद्रा और वैसे ही वचन और वैसी ही चेष्टा, इसका नाम है मैचिंग। तुमका मैचिंग करोगे, तुम्हारा मैच ही नहीं है, मेल ही नहीं है कुछ। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन हो गई मैचिंग। निर्गंध दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। जैसा स्वभाव वैसी ही दृष्टि, सम्यक स्वभाव है, स्वभाव में मिथ्यापना तो होता नहीं, लेकिन दृष्टि सम्यक हो तब बने काम है। जैसा स्वभाव वैसी ही दृष्टि, वैसा ही ज्ञान, वैसा ही आचरण राग से बने, और वैसे ही विचार कब वीतरागता हो, और वैसे ही वचन चर्चा चेष्ट उपदेश सब एक ही बात है, और वैसी ही क्रियाएं यतना चार विवेक की। तुम्हारी चलने में आत्मा दिखना चाहिए, आत्मा दिखना चाहिए। क्या मतलब आत्मा दिखाई चलने में? अरे उसका अर्थ ये, जीव की रक्षा करते हुए चलना चाहिए। आसक्ति से दौड़ते मत फिरो, भागते मत फिरो, निष्प्रयोजन भाव से माने लौकिक प्रयोजन के से रहित होकर के, लौकिक प्रयोजनातीतम। हमारी विधि विधानों में लिखा है चित चित भेदम शरणम, लौकिक प्रयोजनातीतम। जब विधान की प्रतिज्ञा की तो ये प्रतिज्ञा की, स्वर्गाद लक्ष्मी मापयामि। अगर याद हो तो बोलो, अब क्या बोलोगे? हिंदी हिंदी बोल दो, हम कह रहे। अरे हिंदी बोल दो, जब हम कह रहे तब तुम संस्कृत बोल रहे, वहां तक बैठे हैं, बेव सुनेंगे कछु। सही बोल रहे, सही बोल रहे, लेकिन जो आता है सो जाते कहने लगते हो, और जो बात कहते सो चुप्पी छा दे आते हो। 500 रुपया नगद के जे कहा, 1000 रुपया की बुधाई जी कब, मोटी मोटी रकमों को नकारो और छोटी छोटी रकमों में पड़े रहो, कैसे हिसाब किताब होगा? मोटी मोटी माने दृष्टि को निर्मल मत बनाओ, सम्यक बनाओ, और छोटी छोटी क्रियाओं में लगे रहो, छोटे छोटे तुम अपने बस श्लोक रटते रहो, पाठ करते रहो। अरे रे प्रभु, सोचो अभी अभी भी नहीं कह पाओगे, अभी भी नहीं कह पाओगे। हमने क्या कहा, ये पुद्गल है, अगर ये आप ये कह रहे हो तो गलत कह रहे हैं। अभी आत्मा के आश्रय से कहो पुद्गल है। अच्छा एक काम करो, आप कोई भी व्यक्ति यहाँ ये कह सकता है मैं मौन हूं, कह के बताओ। कोई कह के बताए मैं मौन हूं, जब मैं मौन हूं ये नहीं बोल सकता तो मैं ज्ञायक हूं ये कैसे बोल पाएगा? यहां देख करके बोल रहा है, यहां देख करके बोल। तब ये प्रमाद छूटेगा, तब ये उदंडता छूटेगी, तब ये उश्रृंखलता छूटेगी अपने आप। किसने कहा निकल तू घर से, मैल अटारी छोड़ दे, जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ ले, दिन छुपवाए सभी छुटेगा, डालना बेड़ी पांव में। ये त्याग का अभिमान भी मत करना, ये पांव में बेड़ी मत डाल लेना। ज्ञान का अभिमान मत करना, पांव में बेड़ी मत डालना। खतरनाक मत है ये ज्ञान का मत और त्याग का मत, तप का मत। धन के मत से, कुल के मत से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों कि और मत तो भैया ज्ञान से मिट जाएंगे, वो ज्ञान का मत कैसे मिटाएगा? खतरनाक इसलिए है, जल्दी से भक्ता मत बन जाओ,
पहले सूता बन जा, सूता बनो, सूता नहीं सरोता नहीं, सूता नहीं सरोता नहीं, गिनवाणी में तुम्हें नींद आती है और सोते रहते और यही पता नहीं पड़ता हम क्या कर रहे। ये क्या नाटक है, इतना मत खाओ कि जिनवाणी में नींद आए, इतने और काम में मत थको कि जिनवाणी में नींद आए, इतनी रुचि संसार में मत लगाओ कि जिनवाणी में नींद आए। ये दर्शन मरण कर्म नहीं छोड़ेगा तुम्हें, आत्मा स्वभाव से परमात्मा है, हमारे गुरु ये बता रहे हैं। ऐसी बेईमानी नहीं है यहाँ कि खुद तो है, खुद तो इमरती खां है और तू से कहे बाजरा चुन ले, बाजरा खा ले, खुद इमरती खां और वो से कहे तू बाजरा खा ले, ऐसे हमारे गुरु ऐसे नहीं है जो स्वयं परमात्मा स्वरूप अनुभव करें और तुमसे कहो जय भलो है, बहुत धर्मात्मा हो, बहुत ज्ञानी हो, ये झूठी प्रशंसाओं में मत पड़ना जगत की में। वेगों को रोका नहीं जाता स्वस्थ रहने के लिए, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। छींक हो, जमाई हो, है मल हो, है तुम्हारा पसीना हो, रोका नहीं जाएगा, और रोकने की कोशिश करोगे तो मर जाओगे, बीमार हो जाओ। ऐसे ही यहां अपनी शक्ति को छिपाना नहीं, अपनी शक्ति को छिपाना नहीं, अपनी बुद्धि को छिपाना नहीं, बहाने बनाना नहीं, कभी क्या करें क्या करें ये मत करना, जो कह रहे हैं सो करो, क्या करें क्या करें क्या करें, रोन अभावों का रोना नहीं, भाव का अनुभव करना सीखो। और बाहर के में पुण्य के उदय में जितनी सामग्री मिली उसमें संतुष्ट रहना सीखो। कल एक बात कही थी याद है तुम्हें कुछ, अगर धर्म बुद्धि हो तो गरीबी में भी आदमी शांति से रह सकता है, और धर्म बुद्धि न हो तो अमीरी में भी संकले कृष्णावश धनमान। तत्व ज्ञान शून्य अमीरों के घर में ज्यादा क्लेश है, तत्व ज्ञान शून्य अमीरों के घर में ज्यादा क्लेश है, ये उल्टी सीधी नशा अमीरन के घर में होए गरीबों के घर में नहीं है। बड़े बड़े दिवाला अमीर निकालेंगे, गरीब नहीं निकाल पाएगा बेचारा। क्या कहा, तत्व ज्ञान के संस्कारों से रहित अमीरी में बहुत कष्ट है, पुण्य के उदय में बहुत कष्ट है, ऐसे ज्ञान का क्षयोपशम बहुत है इनके, बे उल्टी उल्टी कत्म। एक बात बताओ, तुम एटम बम बना सकते, हम बना सकते, इतनी बुद्धि कहाँ है, बनना कोई बुद्धिमान ने बनाया होगा, ये कुबुद्धि ज्यादा खतरनाक है उल्टी, ऐसा बम बना दिया कि खत्म मामला, सारा जगत भयभीत है, तुम दूसरों से भयभीत करे बहाने बना लो, अब तुम्हें भयभीत करो, भाई के वातावरण में जी रहे। ये क्षयोपशम की अधिकता वालों ने किया है कि क्षयोपशम की ममता वाले करते हैं, चोरी डकैती छबना ठगना ये ज्यादा बुद्धि वाले कर पाते हैं, लेकिन कुबुद्धि है, हर आदमी सीधा साधा आदमी हो बहाना भी नहीं बना पाएगा, ऐसे बहाना बनाएगो कि वो सामने बिल्कुल खुल जाएगा। पिताजी कह रहे हैं, पिताजी घर नहीं है, पिताजी कह रहे हैं पिताजी घर नहीं है, ये है भोलापन।
विचार करो, तुम्हें बुद्धि नहीं है, शक्ति नहीं है, समय नहीं है, तो लौकिक कार्य कैसे करती हो? वहां पुरुषार्थ करती हो तो यहां भी पुरुषार्थ करो, और वहां से ज्यादा रुचि पूर्वक पुरुषार्थ करो, एकाग्रता से करो, अंतरंग प्रीति से करो। ये बहाने बनाने से क्या क्रम चल जाए? रोगी ठीक नहीं होगा और क्या, बहाने बनाते रहो। अज्ञानी ज्ञानी नहीं होगा, तुम्हारी कथाएं कभी नहीं मिलेंगी अगर बहाने बनाते रहोगे। दोष को स्वीकार करना दोष को दूर करने की पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी बता, दोष की अंतरंग में निंदा करना, उसे बुरा समझना, दुख का कारण दोष को मानना, यह दूसरी सीढ़ी है। दोष की गरहा करना, गुरु के सामने निवेदन करना, यह तीसरी सीढ़ी है। गुरुओं के द्वारा दिए गए प्रायश्चित को अंतरंग में वैद्य की औषधि, कड़वी औषधि को भी जैसे खाता है, ऐसे गुरुओं के द्वारा दिए गए प्रायश्चित को आज कुछ नहीं खाना है, लंघन करना, लंघन करना। आचार्य महाराज कहे आज उपवास करना तो शक्ति नहीं है, हमें तो कहा कठोर बंद रह लो, कठोर दिखता तुम्हें। आचार्यों के प्रति अविश्वास मत करो, जैसे वैद्य की द्वारा, वैद्य के द्वारा दी गई कड़वी औषधि को भी रोगी सहज भाव से खाता है, ऐसे गुरुओं द्वारा दिए गए स्वसंवेदन के अनुकूल राशित को भी शिष्य अत्यंत बहुत प्रसन्नता से ग्रहण करता है। काकन्य प्राश्चित भगव प्राश्चित, बस कहते ही भगव प्राश्चित मिट गए दोस्त, जिंदगी में नहीं मिट पाएंगे, इतने हल्के हैं। प्राश्चित ये व्यवहार दोषों के न्यून होने का उपाय है। क्या कहा? व्यवहार प्रतिक्रमण निंदा गरहा आलोचना दोषों को न्यून करती है, परंतु दोषों को मिटाने में समर्थ नहीं है, इसलिए विष्कुंभ कहा उसे। हमें सारी विष्कुंभ क्यों कहा? तो फिर अमृत कुंभ क्या है? दोषों को दूर करने में समर्थ क्या है? कि निश्चय अप्रतिक्रमण, दोषों से भेद ज्ञान होना, ये भी हमारी तैयारी है, तैयारी दोष दूर करने की तैयारी है। ये शुभ लक्षण है दोषों से भेद ज्ञान करना। भेद ज्ञान माने पर है, ऐसा नहीं है, स्वभाव नहीं है। यही दुख के कारण है, यही हमें हैरान कर रहे हैं। ये जमीन में बिजली डरी है ऐसी, यही हमारी बदबू नहीं निकलने दे रही, पानी तो रोज निकाल रहे। ये हमारी मान्यता जो विपरीत है, जिसको हम कह ही नहीं रहे, जिसको हम ये सोच रहे बस सर हम दृष्टि सुधार लेंगे, दृष्टि ऐसे पकड़ के सुधारेंगे। क्रिया का दोष से अनंत गुना सूक्ष्म परिणाम का दोष है, और परिणाम के दोष से भी अनंत गुना सूक्ष्म दृष्टि का दोष है। दृष्टि का दोष दिखना भी दुर्लभ है, मिटना तो बहुत दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ है माने तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। दोषों से भेद ज्ञान हुआ और फिर निर्दोष तत्व का लक्ष्य हुआ, ये दोष के दूर करने का उपाय है, अंतिम सीढ़ी ये है। यह तू अपने स्वरूप से चलित होगा तो तुझे सर्व दोषों का प्रसंग बनेगा। लिखा है आचार्य योगेंद्र देव ने, लिखा अमृता सीते। इधर से लौटो, यह तू स्वभाव को समझेगा तो सर्व दोषों का अभाव होगा, कोई दोष नहीं बचेगा तुम्हारा, एक भी नहीं बचेगा। मुन्नराज पद्म ब्रह्म लाली देव कह रहे, शंका माने सर्व दोष, शंका रहित माने सर्व दोष से रहित। जो जिन वचनों में निशंक हो गया, स्वरूप में निशंक हो गया,
निशंक स्थिर होने में समर्थ हो गया। अब जो जो विज्ञान घन हो जाता है त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्ति होती है। जो जो विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्ति। उस लड़की का जो जो ससुराल में मन लगता जाता है त्यों त्यों मायके का आना जाना कम होता चला जाता है, व्यवहार कम होता चला जाता है, याद कम होती चली जाती है, वहां मन लगता जाता है। फिर तुमने सुना है कभी इन महिलाओं को, अबे तो आ नहीं पाए, अबे बच्चे की परीक्षा है, अबे तो आ नहीं पाए, अबे तबीयत खराब है नहीं, अरे तो बहुएं हैं, अब बहुएं कहा, बहुएं अपनों काम कर पाएंगी, अब ऐसा ही है। माने वहां जाने के लिए यहाँ का बहाना लिया है, यहाँ रहने यहाँ वहां जाने के लिए बहाना नहीं बनाया। रुचि का तो खेल है, लगने लगे यही हमारा घर है, यही हमारा स्वामित्व है, ये घर हमारा घर नहीं है, यहाँ हमारा कुछ नहीं है। गुरुओं की आज्ञा क्या है? श्री गुरु तुम्हें आज्ञा करें हैं, लिखा है क्या? श्री गुरु तुम्हें आज्ञा करें हैं। क्या आज्ञा करें? अपने को सदा आत्मा मानना, ज्ञायक भाव रूप अनुभव करना। और कैसा आत्मा? ये मलिन आत्मा नहीं, आत्मा को भूल करके जो पर्यात्री हो रही है वह तो वास्तव में आत्मा ही नहीं है। 38वीं गाथा की टीका में नियम सारी में वास्तव में आत्मा लिखा, ये शब्द लिखे, वास्तव में आत्मा, प्यार भावों की अगोचर। ध्रुव आत्मा व वास्तव में आत्मा है, बादमती तो उपचार से कहे या नहीं कहे, क्या करे? जयसेन स्वामी ने बड़ी सुंदर चर्चा की, राजा के शत्रुओं में जो घुसा पिला है, प्रेम है, उसी वह राजा की सेवा कैसे कर पाएगा? राजा के जो विरुद्ध हैं, राजा के जो शत्रु हैं, उनमें जो घुला मिला रहता है वह राजा की सेवा कैसे कर पाए? तो राजा जीव राजा का शत्रु कौन है? मोह राग द्वेष ही तो शत्रु है, इन्हीं में रचा पचा है, मगन है, तो वो जीव राजा की सेवा कैसे कर पाएगा? इन्हीं को आत्मा मान करके बैठा है, बताओ कैसे वो आत्मा की सेवा कर पाएगा? राग को आत्मा मान करके अनुभव करें तो दुख का अनुभव वेदन होगा कि सुख का होगा? क्यों महाराज? आप तो कहते थे आत्मा आनंदमय, लेकिन आत्मा आनंदमय वो राग से न्यारा है। प्योर मिश्री का आस्वादन करो, मिली हुई मिश्री का नहीं। शुद्ध आत्मा का अनुभवन करो, संयुक्त आत्मा का नहीं, विशेष आत्मा का नहीं, बद्ध स्पष्ट आत्मा का नहीं, अनियत आत्मा का नहीं, बद्ध स्पष्ट आत्मा का नहीं, अन्य अनुरूप होने वाला जो स्वांग है उस आत्मा का नहीं। कहा जाता है उसको वो व्यवहार नए है, ये कैसे समझेंगे? जब मंदिर का दरवाजा तुम्हें नहीं मालूम, भीतर घुसोगे कहाँ? अब दरवाजा बड़ा हो गया मंदिर का, नहीं दूसरी, पहले छोटा दरवाजा था घर जैसा, कितने ही लोग ऐसे चले जाते थे, आगे निकल जाते, मंदिर कहाँ है? सामने बड़ा दरवाजा तो समझते मंदिर है, तो मंदिर तो बंद दिखाई दे रहा, अब तो दिखाई देने लगा मंदिर है। लेकिन मंदिर का दरवाजा ऐसा भी हो सकता है बाहर से छोटा हो और भीतर विशाल हो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बाहर में व्यक्ति बहुत सादा हो, सामान्य हो, और हो बहुत धनी, ऐसा नहीं है धनी हो तो बहुत बड़ा कंठा और जय जा रहे हो। धनी भी धोती दुपट्टा ओढ़े द्वारा परीक्षण के लिए खड़ा हो सकता है, धनी भी है भगवंतों की पूजा के लिए धोती दुपट्टा ओढ़े खड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। धनी होने के लिए बाहर में धन दिखाई देना जरूरी है, लेकिन अंतर में तिजोरी में धन भरा है उसका, बैलेंस में धन है उसका, ऐसे स्वभाव में ज्ञान है,
स्वभाव में दर्शन है, स्वभाव में प्रभुता है। अब हम कितनी सीढ़ी बता रहे, तुम का समय है बस कछु नहीं, कहा कि कछु नहीं, वो गलती हो गई बस खत्म हो मिट गई। ऐसी मजाकें करने से इलाज नहीं होती। हम कितनी बार कहते हवाई फायर से शत्रु सेना नहीं जीती जाती, हवाई फायर से भीड़ बगाए थोड़ी बहुत वो अलग बात है, लेकिन हवाई फायर करने से युद्ध क्षेत्र में वहां तो तक तक के मारे जाता है। समाधि मरण में क्या लिखा था पंडित जी ने, पढ़ा था कुछ, कहा पढ़ो बोलो, बस लिखो तो। अरे हम अभ्यास पढ़ के नहीं आए, तैयार करके नहीं आए लेसन पढ़न, क्या लिखा था, मैं सावधान होता हूँ कर्म रूपी बैरी, आयु कर्म पूरी हो रही है, ये बैरी सामने खड़ा है, तक तक करके मारूंगा, मसक मसक के पटक पटक के, ऐसे शब्द लिखे ज्ञानानंद साहब का चार में समाधि मन, वहां तो तक तक के मारू यार, जे थोड़ी लगे न जा। युद्ध के प्रसंग पढ़े हैं तुमने, लवकुश और राम लक्ष्मण का युद्ध हो रहा है, लवकुश और राम लक्ष्मण का युद्ध हो रहा है, कुश का लक्ष्मण से और लव का राम से। ग्रंथकार कहते हैं कि राम लक्ष्मण को तो पता नहीं कि हमारे बेटे हैं, और इनको पता है कि हमारे पिताजी और चाचा है, ताऊ और पिताजी है, इनको मालूम है और उनको मालूम नहीं, सुबह तो बचा बचा करके बाहर कर रही, अबे तक तक के बाहर। ना राम लक्ष्मण तक करके नहीं, वो तक तक करके मार रहे हैं, और बे बचा बचा करके मारे, कहीं इनके न लग गया। शत्रु को बचा बचा के मारे हो, बस सेव कर करके क्रोध को मिटाओगे, दोषों को छिपा छिपा करके दूर करोगे, तुम निर्दोष 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 माने देव हमारे निर्दोष हैं, गुरु हमारे निर्दोष हैं, शास्त्र हमारा निर्दोष है, स्वभाव ही हमारा निर्दोष है, और निर्दोष दशा ही हमारा साध्य, और निर्दोष रत्नत्रय ही उसका साधन है, निर्दोष रत्नत्रय ही उसका साधन है, शुद्ध रत्नत्रय उसका मार्ग है, और कर्म के नाश पूर्वक होने वाला महानंद का लाभ ये मोक्ष है। आत्मा स्वभाव से परमात्मा है। 3 दिन पहले हमने क्या कहा था, है जो माने उसका भी है और नहीं माने उसका भी है, लेकिन नहीं माने बिना दुखी दुख दूर नहीं होगा, नहीं समझे बिना दुख दूर नहीं होगा, है तो क्यों भाई, कंजूस के पास धन है कि नहीं है तो, लेकिन वो निरंतर मलिन रहेगा, दुखी रहेगा, पैसा तो है कि नहीं, लेकिन वो तो ये सोच रहे पैसा हमारा पैसा, उसमें आसक्ति बड़ी है उसकी। देखो भाई, देख रहते हुए भी अनंत चतुष्टय प्रकट हो सकता है, लेकिन देह में अपनत्व रहते हुए मोक्ष मार्ग भी प्रारंभ नहीं हो सकता। देह के रहते हुए 13वां गुण स्थान हो सकता है अरहंत दशा, और देह में ममत्व रहते हुए 4था गुण स्थान नहीं हो पाए। बीज के अभाव में वृक्ष की स्थिति नहीं, उत्पत्ति नहीं, स्थिति नहीं, वृद्धि नहीं, फलोदय नहीं, ऐसे सम्यक के अभाव में अच्छा देह और आत्मा के भेद ज्ञान के अभाव में कुछ नहीं। तुम सोचो हम आगे बढ़ गए, बहुत करने लगे, कछु नहीं करने लगे, दो घंटा स्वाध्याय करनी और करनी है, भैया विपरीत दिशा में स्पीड मत बढ़ाओ,
दिशा बदलो। दशा बदलने के लिए दिशा बदलो, परिणति बदलने के लिए दृष्टि बदलो, आचरण बदलने के लिए सिद्धांत बदलो। जब तुम्हारा ये सिद्धांत होगा कि ये इसमें सुख नहीं है तो वहां आचरण क्यों होगा बता? रास्ते चलते हुए हैं कोई थूक पड़ा होता है उसको उठाते सोने का सिक्का हो जाते उठाने लगे। वो बड़े बड़े धर्मात्मा उठाने की कोशिश करेंगे, चलो मंदिर में डाल दी, जाने को उठे क्या करे वो मंदिर में डाल दी। अरे हमें करना क्या उठा करके, मंदिर में वो डाले चमक डाले यानी कैसा धन होगा कैसा क्या होगा, मंदिर में काय को डाले भैया। न्याय का धन ही दान में लगाओ, नेक कमाई करो, थोड़ी कमाई करो, अगर तुम्हें धर्म ध्यान करना है ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर तुम्हें वर्तमान सुख से जीना है नेक कमाई करो, थोड़ी कमाई करो। नहीं लय लक्ष्मी अधिक छर कर कर्म मंद विशेषता। और खाली बेईमानी नहीं, नंबर दो मत करते रहो, वहां तो कोई नंबर दो का काम नहीं। अरे हिंसा के काम मत करो, चोरी के काम मत करो, कुशील के काम मत करो, ये नेक कमाई नहीं है, फैसलों की कमाई, विलासता की कमाई, शराब की कमाई है, लॉटरी की कमाई, बूचड़ खानों की कमाई, बूचड़ खाने से बने सामग्री की कमाई देश के विकास में कहां काम आती है? कितनी आपत्तियां आने लगती बीच बीच में, प्राकृतिक प्रकोप कितने होते हैं, आतंकवादियों के कितने होते हैं, विचार करो। कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं तूफान आ गया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, कितना नुकसान होता है। और उसको न देखें तो शराब के कारण, जुआ के कारण, तस्ना के कारण, संस्कार रहित होने के कारण कितने अपराध होते हैं, सारे अपराध इसी कारण होते हैं। उन अपराधों को रोकने में कितना खर्च होता है, कितनी पुलिस लगानी पड़ रही, और तो नहीं रुक रहे। और इन हमारा गलत खान पान होने के कारण, गलत चर्या होने के कारण कितने रोग होते हैं, कितना खर्च होता है इलाज पर, ये देखो सोचो कम से कम कितना खर्च होता है। जहां देखो हॉस्पिटलों की लाइन लगी है, हॉस्पिटलों की लाइन लगी है। इस उतावलेपन के कारण कितने एक्सीडेंट हैं, कितने रोग हैं, कितने सारी व्याधियां इस परिग्रह की हैं, रचना की हैं और काव की नहीं। जितने दुख हैं वह मोह के हैं, नारकी नरक में मोह से दुखी है, नरक निमित्त मात्र है। नारकी में भी नरक में भी निर्मोही सुखी है। अरे मोटे रूप से निर्मोही की बात तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं नरक में असुर कुमार देव जाते हैं कि नहीं? वे नरक नारकी जैसे दुखी होते हैं क्यों नहीं होते? उन जैसी कथाएं हो तब दुखो। तो नरक में भी दुख कथाए का है, मिथ्यात्व का है। नरक में भी दुख उस वातावरण का निमित्त मात्र है, वातावरण का दुख नहीं है। स्वर्ग में भी सुख भेद ज्ञान का है, वहां भी अगर ईर्ष्या द्वेष रहे, बड़े देवों को देख करके जलते रहे तो मर जाओगे। बड़े देवों को देख करके, उनके वैभव को देखकर, उनके भोगों को देख करके ईर्ष्या में जलते रहते, वहां दुखी होते देवगति में। और यहां भी अपने माने तीन लोक और तीन काल में जितना दुख है वह मिथ्यात्व का है, अज्ञान का है, कथायों का है, इसके अलावा कोई दुख का कारण। एक बहुत सुंदर चर्चा आई है आगम में, साधु माने सर्व उपद्रव से रहित। साधु माने सर्व उपद्रव से रहित, निरुपद्रव, सर्व बंधनों से रहित। न उस पर सामाजिक बंधन लागू होते हैं, न उस पर राज्य के बंधन लागू होते हैं। क्यों? न राज्य की सुविधाएं चाहिए, न समाज की सुविधाएं चाहिए। बंधन में वो पड़ेगा जो सुविधाओं में पड़ेगा।
परमे सुख की कल्पना हमें बंधन को आमंत्रित कराती है, बुलाती है, हमें बंधन में डालती है। सुविधाएं सुविधाएं सुविधाएं, मर जाओगे सुविधाओं में। जैसे और बेग रोकने लायक नहीं, ऐसे पसीना रोकने लायक नहीं। हम ये कह रहे कि पसीना रोकने से ये गठिया भटिया तमाम है, ये पक्षाघात और ये तुम्हारे ये सब तमाम रोग उत्पन्न होते, फिर इलाज करने पर पसीना लाने पड़ता है। स्वाभाविक रूप से अगर निकलता है तो निकल जाने दो, अलग से पसीना निकालने की कोशिश मत करो। हम आपसे कहते हैं, फिर कह रहे हैं, अपना काम ईमानदारी से करो, अपना काम ढंग से करो, इतना चार और विवेक से, अलग से व्यायाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और नहीं तो बताओ मंदाज कौन सा व्यायाम करते हैं, तब साफ शरीर ठीक करबे के लिए कौन सा व्यायाम करते बताओ। बिहार हुआ, सामायिक पर बैठ गए, धूप में जाकर के बैठ गए, यही अपने आप सबरे व्यायाम हो गए। हमारे सेवकों में, घर गृहस्थी में काम करने वाले लोग कौन सा व्यायाम करते थे, पानी ऐचो और इतना चार से तीन बाल्टी में काम हो गो, दस बाल्टी फैलाने और अपना अपने आप व्यायाम हो गया। उन्हें चकिया चलाई, व्यायाम हो गया। उन्हें आटा मार रहे, व्यायाम हो रहा। लड्डू बना रहे, व्यायाम हो रहा। अब तुम अलग से करोगे व्यायाम और रेडीमेड खाओगे पियोगे। ये सोच का फलक है। जिसको तुमने सुख माना है वो अनंत दुखों का मूल है। सुविधा भोगी मत बनो, निजानंद रस के भोगी बनो और जिनवाणी का रस पान करो भैया। जितना बाहर से सोचोगे विपरीत सोच आया, जितना बाहर से करोगे उतना विपरीत सोचेगा, विपरीत होगा। एक बार स्वलक्ष्य से करके बता, सोच के बता, बस सब सम्यक हो जाए। स्वाश्रय से सम्यक तो होता है, पराश्रय से मिथ्या तो होता है। बस इतनी की बात है और कुछ बात ही नहीं है आगे। जिधर तुम्हारी पीठ है उधर तुम्हारा अपने मुंह कर लो, और जिधर तुम्हारा मुंह है उधर तुम्हारी पीठ कर लो। जिसके सन्मुख हो उसके विमुख हो जाओ, और जिसके विमुख हो उसको सम्यक हो जाओ। परमात्मा प्रकाश में क्या लिखा है बोलो। वह योगी धन्य है, पूज्य है, अनुकरणीय है। क्या कही? धन्य है पूज्य, ये प्रशंसा करी और अनुकरणीय कह दिया। जो उजड़ को बसाता है, बसे को उजड़ करता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ लेना, नहीं तो जाकर के फिर शरीर की चर्चा करते रहो, दूसरों की चर्चा करते रहो, अपनी चर्चा कब करोगे? ये तो ऐसा उपदेश है, क्या कहें अब हम भैया। एक उपदेश सुनाता हाथी और सिंह ने, सारे जीवन भर श्रावकाचार का पालन किया, अंत में समाधि करी। महावीर स्वामी के जीव ने, हाथी के जीव ने, पार्श्वनाथ के जीव ने, बोलो। अरे वहां जंगल में उन्हें जटायु को राम लक्ष्मण सब मिल गए थे, इन्हें तो कोई नहीं मिला था। न मंदिर है, न साधर्मी है, न कोई साधन है। साधनों का रोना रोते हो? तुम्हारे पास तो जिन मंदिर जैसा, समूषण जैसा जैन मंदिर मिला है। इतने साधर्मी मिल गए, अब तुम समझो नहीं साधर्मी को। साधर्मी तो हम का करें? धर्मी से धर्मी मिले, हो धर्म की बात। मूर्ख से मूर्ख मिले, क्या घुसा के ला। अंत में वो बात करना शुरू करेगा और बहस होने लगेगी, तर्क उतर्क, और अंत में हाथापाई होने लगे। एकदम घुसा थोड़ी चलने लगे, लाश थोड़ी चलने लगे, लेकिन अंत उसका कहाँ होगा? और धर्मी का धर्म चर्चा का अंत कहाँ होगा? चर्या में उसका अंत होगा। सबका चार जीवन में लाओ, ये सारे शब्द मत बोलो, मुंह से वही बोलो जो सत्य के अनुकूल हो,
अनुव्रत तो कम से कम पालो, अनर्गल मत बोलो, अप्रमाणिक मत बोलो, चाहे कुछ मत बोलो, बिना दिया हुआ कुछ भी मत लो, शील की मर्यादाओं का पालन करो। तिलोत्तमा रंभा ऐसी शब्द लिखी है। तिलोत्तमा शब्द का अर्थ क्या है? वैदिक संस्कृति में उसका लिया कि वो तपस्या कर रहा था ना राजा, उसके तप को डिगाने के लिए इंद्र ने अप्सरा भेजी। डिगाने के लिए अप्सरा ही बहुत है, अगर डिगना नहीं हो तो इनसे सावधान रहना है। एक बाबा जी थे, अब तो शांत हो गए, कह देते थे कभी कभी, बालक हो बालिका हो चाहे बुढ़िया, बाला हो या बुढ़िया, समझो जहर की बुढ़िया, तब तुम ब्रह्मचर्य पाल पाओगे। ये शरीर देखने वाले ब्रह्मचर्य पाल पाएंगे, आत्मा देखोगे तब ब्रह्मचर्य पड़ेगा। तो उस इंद्र ने तिल तिल सौंदर्य इकट्ठा करके उसको उसकी रचना करी। वैदिक संस्कृति ये दृष्टांत है। उसकी नक्शे लेकर के सिर तक देखो, सुंदर सुंदर तिलोत्तमा अनुत्तमा की तिलोत्तमा। अरे उत्तम तो चार होते हैं, ये कहां से आ गई तिलोत्तमा? कहां से आ गई? उत्तम तो चार होते हैं, लोक में चार मंगल हैं, लोक में चार उत्तम हैं। हम ये कह रहे जीवन प्रयोगशाला है, उसका प्रयोग करो। भोजन में बैठो, भोजन करना ही पड़ेगा जब तक अनाहारी नहीं हुए, लेकिन आगम में जो अवक्ष रेखा है नहीं, ये अवक्ष ये तुम कह दो, हम ये हम नहीं कह पाएंगे। कह दो राक्षसों को होता है, कैसे कह दो? तुम्हें 5 लाख देंगे, 5 करोड़ देंगे, अरे तुम 5 अरब दे, तुम्हारे देने से देने वाले हो जाओगे तुम। राग से सुख नहीं होता, राग में धर्म नहीं होता, भोगों में सुख नहीं है, भोगों में धर्म नहीं है, संसार में सुख नहीं है, संसार में धर्म नहीं है। ये तो ऐसी है चर्चा, सर्वासिद्धि के देव 33 सागर तक चर्चा करते रहते हैं और मगन बने रहते हैं। पंच कल्याणक में भी आने का भाव नहीं होता असली में, नकली की बात नहीं कह रहे हम, आयोजनों की बात नहीं कह रहे, भगवान का जो पंच कल्याणक है उसमें भी जाने का भाव नहीं होता। वो क्या देख तो आए कितनी कथाएं मंद होगी और बस तत्व चर्चा करते रहते हैं। मुंडा शिखर जी की वंदना करवे के गए और जी भाव नहीं है, चलो ने कलकत्ता से गया, क्या देखें? परिग्रह देखने लायक नहीं है, संसार देखने लायक नहीं है, ये सकल देखने लायक नहीं है, इसके भीतर विराजमान चैतन्य भगवान आत्मा अप्पा सो परमप्पा। देखो देखो देखने लायक है, क्यों? उस शुद्ध आत्मा को देखने पर देखने वाले को ज्ञान भी होता है, सुख भी होता। आत्मा के आश्रय से कहोगे जब ये पुद्गल है तब ये सम्यक होगा, आत्मा के आश्रय बिना कह दे पढ़ करके हम ये पुद्गल है इसमें कोई गम नहीं है। पहले पढ़ करके भी निर्णय करो, पढ़ो सुनो विचार करो हुआ को करो, लेकिन स्वानुभव से प्रमाण किए बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होगा। ओम नमः। जिन स्वान भूति से